आरिज और आयत एयरपोर्ट पहुंचे। उन्होंने घर पर किसी को नहीं बताया था अपने आने का। वो पहुंचे तो आरिज के हाथ में आयत का हाथ था। 20 दिन पहले जब इसी जगह पर खड़ी थी आयत तो इसकी जान पर बनी हुई थी और आज इसके हाथ में हाथ डाले। इस एयरपोर्ट पर उतरी इसने गुज़श्ता 20 दिन अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन दिन गुजारे थे, जिसमें जैसे सारे शिकवे मिट गए थे और इसे आरिज से कोई शिकायत नहीं थी। खुशी इसकी अंग-अंग से फूट रही थी। वह ज़रूरत से ज़्यादा ही मोटी हो गई थी। शायद इसके प्यार ने भी इसको सेहतमंद कर दिया था और इस पर यह अजब निखार खूब जच रहा था कि आरिज का इस पर से नज़रें हटाना भी मुश्किल हो गया था। वो बाहर निकला और गाड़ी कराई। आयत ने तो किसी चीज़ को हाथ भी न लगाया, यहाँ तक कि अपना हैंडबैग भी। जब इसने आरिज की तरफ बढ़ाया तो आरिज ने अपने गॉगल्स उतार कर इसकी तरफ देखा। आयत के चेहरे पर शर्म मुस्कुराहट थी। यह तुम्हारे हाथ में भी कोई दिक्कत नहीं देगा, आरिज ने घूर कर देखा। मगर मैं इसको पकड़ना नहीं चाहती, या आप पकड़ेंगे, आयत ने नाज से कहा और इसके हाथ में बैग पकड़ा दिया। जान ये लेडीज़ बैग हाथ में पकड़े हैं, मैं जोर का गुलाम लगूंगा, कोई तो लिहाज करो, आरिज ने कहा। सामान गाड़ी में रखा और बैग भी, जो कि आयत इसको थमा चुकी थी। मैं चाहती हूँ कि पूरी दुनिया जान जाए आरिज सिर्फ आयत के हैं, वो मुस्कुरा कर बोली। आरिज ने आंखें घुमाई। तो इसके लिए मैं तुम्हारा बैग उठा कर घूमूँ? तुम जानती नहीं हो सलार भैया को, वो मुझे ताने दे देकर मार देंगे। रहम खाओ शोहर पर। वो गाड़ी में बैठा और गाड़ी घर की तरफ चल दी। बहुत ही अच्छा होगा आपके साथ, मैं तो बहुत खुश होंगी जब आपको कोई सुधारे, आयत ने इसके बाजू में बाजू डालकर कहा। ये बिल्ली जो शेर से चिपक भी रही है और पंगे भी ले रही है, इसे पता होना चाहिए वो शेर को उकसा रही है, और एक बार अंदर का रोमांस जाग गया तो फिर मीसनी शक्ल बनाओगी। आरिज आपको मुझ पर तरस नहीं आता? आरिज ने इसकी नकल उतारी। आयत ने इसको आंखें फाड़ कर देखा। आरिज आप मेरी नकल उतार रहे हैं, वो हैरान थी। आरिज ने हंसी रोकी और रुख मोड़ लिया। आयत ने इसका रुख अपनी तरफ किया। आप कितने बुरे हैं, कितनी आराम से मेरी नकल उतार रहे हैं, आयत ने अफसोस से कहा। आरिज ने अपना कहका हलक में उतारा और इस वक्त वो इसकी मजाहिया शक्ल देखकर हंसता तो वह जानबूझ कर इस्तेमाल करने के लिए कोई ना कोई हरकत करती, और आरिज बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता था इससे दूरी। देखो आयत, मैं तुम्हारी नकल नहीं उतार रहा जान, बस ये कह रहा हूँ इस बैग को तो अपने हाथ में ले सकती हो ना। आरिज ने हर मुमकिन कोशिश की खुद को संजीदा करने की। आयत ने गुस्से से बैग इसके हाथ में थमा दिया। मैं बिल्कुल नहीं पकड़ूंगी, जितना आपने मुझे तंग किया है मैंने तो कुछ भी नहीं किया, वो खफगी से बोली। खैर इतना भी नहीं किया मैंने तुम्हें तंग, आरिज मुँह में बड़बड़ाया, अब आप मुझसे लड़ाई वाली बात कर रहे हैं। आयत खालिस्तन बीवियों की तरह चिढ़ रही थी। चंदा तुम्हारा बैग में उठाऊंगा, बल्कि गले में घंटी की तरह सजाऊंगा, बल्कि एक बाजा ले लेता हूँ और माथे पर टैग लगवा लेता हूँ। मैं सिर्फ आयत का हूँ, खबरदार जो किसी ने मेरी तरफ देखा, ठीक है? आरिज ने हार मानकर इसका बैग अपने पास रख लिया। क्या वाकई आप ऐसा करेंगे, वो जोर से बोली। आरिज ने सर पर हाथ रखकर गहरी सांस ली। अब आप चुप क्यों हैं? वो चुप हो गया तो आयत ने इसका शाना हिलाया। आयत तुम क्यों इतना बोलती हो? आरिज शायद इन 20 दिनों में इसे कई बार कह चुका था। आरिज आपको मेरे बोलने से भी मसला है, आयत फिर से सीधी हुई। आरिज ने गहरा सांस भरा। नहीं बोलती रहो, मुझे क्या मसला होगा, इसने जान छुड़ाई। अच्छा मैं बोलती रहूं, आप नहीं सुनेंगे, मैं पागल हूं कोई? आयत, आरिज ने गुस्से से इसको देखा। मैं तो बस वो मन मनाई, बिल्कुल चुप हो घुर्राया। आयत ने इसके शाने पर मुंह बसूर कर सर रख लिया। अजीब बेवकूफ लड़की है, आरिज ने बाहर की जानिब देखना शुरू कर दिया। आयत बार बार पलकें उठाकर इसको देखती मगर वो तो इसे देख ही नहीं रहा था, जबकि वो चाहती थी वो हर वक्त बस इसको देखे। बरसों की मोहब्बत को जब हकीकी रंग मिला तो वो इसकी नज़र की तब्दीली भी बर्दाश्त नहीं करना चाहती थी। इसने चौथी बार इसको देखा तो आरिज ने घूर कर इसको देखा तो आयत ने जल्दी से आंखें बंद कर ली। आरिज मुस्कुरा दिया। अब ऐसे करोगी तो मैं ड्राइवर का लिहाज नहीं करूँगा, वो इसके कान में गंभीर लहजे में बोला। आयत एकदम इससे दूर हुई, वो तो जैसे ड्राइवर को भूली बैठी थी। शर्मिंदगी से इसका चेहरा सुर्ख अनार की तरह हो गया और वो दूसरे दरवाजे से चिपक गई, जबकि गाड़ी में आरिज का कहका बुलंद हुआ। वो लोग घर पहुंचे तो शाम हो चुकी थी। एकदम इनको ऐसे अचानक देखकर सब भी हैरान रह गए, जबकि बहुत गर्मजोशी से मिले, दोनों को सीने से लगाकर सबने प्यार किया, जबकि आयत तो शर्मा रही थी मुसलसल। घर में सब ही मौजूद थे सिवाय सलार के। कबीर, मुर्तजा, शहाब, सिकंदर, वजाहत, जैन, सब मर्द हजरात भी ऑफिस से घर लौट आए थे। जैन का आज आखिरी पेपर ख़त्म हो गया था। वो तो सालार का मुंतजर था कि वो आता तो दोनों मुर्तजा को मनाते, क्योंकि जैन ने ट्रेनिंग के लिए लाहौर जाना था 6 माह के लिए,
और मुर्तजा कहाँ इसे जाने की इजाज़त देते। ऊपर से इसके फील्ड ऐसी आरिस और आयत के साथ सब लाउंज पर मौजूद थे। आरिस जिमल को गौर से देख रहा था जबकि जिमल इसके इस तरह देखने पर घबरा रही थी। नैन अपनी परेशानी में गुमसुम थी। आज इसने अहमद से मिलने जाना था मगर ना इसे वक्त मिला और ना मौका। वो समझ नहीं पा रही थी कि आगे अहमद क्या करेगा। ज़रूर वो इस ब्रेसलेट का नाजायज इस्तेमाल करेगा और फिर वो सब कुछ हैंडल कैसे करेगी। नैन ने चाय का इंतजाम किया और सब कुछ चाय और स्नैक्स सर्व किए। कबीर ने इसकी जानिब देखा जिसके चेहरे पर मुस्कुराहट का शुबा भी नहीं था। वो खामोशी से अपना कप उठाकर एक तरफ हो गया। ऐसे कई सवाल थे इसके दिल में जो नैन को मुश्किल में डाल सकते थे। दूसरी तरफ परिशी और अमल आरिस को गुस्से से घूर रही थी। आपको शर्म आनी चाहिए, सालार भैया जब भी जाते हैं हमारे लिए कुछ ना कुछ लाते हैं और आप खाली हाथ आ गए। वैसे कोई मुरव्वत नाम की चीज़ नहीं आप में, परिशी इस पर बरसी। देखो गुड़िया, मैं तुम्हारा गरीब सा भाई हूँ, वो नवाबजादे तो अमीर हैं, आरिस ने मजबूरी बताई। बस करें, परिशी झिल्लाई, बस आपको अपनी बहनें याद नहीं रहीं। अमल गुस्सा हुई, लड़कियों इनका एक छोटा सा मासूम भाई भी था जिसे भूल गए। हाँ हाँ सही जा रहे हैं आप, यहीं सैलार भैया होते हैं तो खूब रिकॉर्ड लगता आपका। कुछ दिल को तसल्ली होती कि कोई है आपको धोने वाला, जैन गेम खेलते हुए मसरूफ से अंदाज में बोला। आयत ने मुस्कुराकर इन सबको देखा। मैं तो तुम सब के लिए गिफ्ट्स लाई हूँ, वो बोली। सब ने इसके चेहरे की मुस्कुराहट देखी तो कुछ तसल्ली हुई। आखिर इसकी ज़िंदगी में भी सुकून आ गया था। क्या वाकई वो तीनों चीखे तो आयत ने सर हिलाया। ओ आयत आई लव यू, परिशा ने जोर से इसके गाल पर प्यार किया। आयत शर्मा गई जबकि अमल ने इसके दूसरे गाल पर किया। आरिस ने मुस्कुराकर इसको देखने लगा जबकि जैन सबसे पहले इनके बैग की तरफ भागा। वह तीनों बच्चों की तरह लड़ने लगे कि पहले मैं खोलूंगा। अमल भी जैसे सब भूल गई थी या शायद इसे याद था और इस वक्त वो भूल चुकी थी। अमल ने जैन के हाथ से बैग खींचा, सभी ने मुस्कुराकर देख रहे थे। चूहिया बैग वापस कर, जैन पहले की तरह बोला। मैं चूहिया हूँ, अमल तिल मिलाई और यह मगरमच्छ परिशा ने अमल का साथ दिया। दोनों हंसने लगी। बच्चों देख लूँगा, चूंटियों को भी पड़ लगे हैं, जैन कबीर के घूरने पर मस्कीन शक्ल बनाता पीछे हट गया। तो परिचय अमल ने बैग खोला और सबको सबके तोहफे देने लगे। भाभी जी चुप चुप हैं, तबीयत तो ठीक है। आरिस ने नैन को देखा जो एक तरफ बिल्कुल खामोश होकर खड़ी थी। हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे क्या होना है, मुस्कुराई शाने झुकाकर फिर खामोश क्यों है, आरिस ने पूछा। तो वह सर झुका गई, बस तबीयत कुछ निढाल सी महसूस हो रही है, शायद रेस्ट करूँ तो ठीक हो जाऊँ, वह मुस्कुरा दी। जाओ बेटा कमरे में चली जाओ, मदीहा ने इसको प्यार से कहा तो वो बिना तरद्दुद के कमरे में चली गई। कबीर ने इसको जाते देखा मगर उठा नहीं। ना इसे अच्छा लगा कि वो अपने बीवी के पीछे ऐसे जाए। बाबा सालार से बात हुई है आपकी, मुझे लगता है वो आज नहीं आएगा, कबीर को याद आया तो मुर्तजा से बोला। फ़ोन करो इसे, पता करो कहाँ है, मुर्तजा ने चाय का कप उठाते हुए कहा। तो कबीर ने फ़ोन उठाया। भैया आप रहने दे, मैं करता हूँ इन्हें फ़ोन। आप खुद फंस रहे हैं, जैन हंसा। आरिस भी हंस दिया और सेल स्पीकर पर डालकर इसने सालार को कॉल की। जिमल वहीं मौजूद थी, वो सबको देख रही थी। दिल की धड़कनें बेतरतीब सी हो जाती थी इसके जिक्र पर ही, फिर जब वो सामने होता था तो इससे बेरुखी बरत लेती थी। खुद अपने अंदर से अफशीन का खौफ नहीं मिटा पा रही थी। और फिर सबका खौफ भी था कि सब इसके बारे में क्या सोचेंगे जिसने ये झूठ बोला कि शादी ज़बरदस्ती की है, और इसने एक बार भी इस बात की तस्दीक नहीं की कि ये झूठ बोल रही है, और कैसे वो इसके रोने से बेचैन हो जाता था। सिमल इसकी आवाज़ पर ख्यालों से बाहर निकली। वो दुल्हा मियाँ वापस लौट आए हैं याशी करके, सलार ने कहा तो सबका कहका उबरा। बड़ा चलाक आदमी है, स्पीकर पर मोबाइल डाला हुआ है ताकि मुर्तजा साहब से डर कर मैं कुछ ना बोलूँ, वो बोला। तो मुर्तजा ने नफी में सर हिलाया। सुन रहा हूँ मैं सब, वो जड़ा कड़क लहजे में बोले। पता था मेरी खींचने के लिए तो आप तैयार रहते हैं, ज़रा मुझ मासूम की जान छोड़ दें। खैर तुम सुनाओ मिस ने, सलार ने आरिस को पकड़ा। खैर से आ गया हूँ और आपको मिस कर रहा हूँ, आरिस ने हकीकत बताई। रियली, तो टीवी ऑन करो, वो बोला। तो ज़रा सब चौंके। ओ भैया आप लाइव हैं, जैन एकदम चीखा। तो सालार हंस दिया। हाँ कुछ देर में लाइव इंटरव्यू होगा, सालार ने कहा। जैन ने जल्दी से एलसीडी ऑन कर ली। जबकि सालार ने फ़ोन बंद कर दिया, सब एलसीडी की तरफ मुतवज्जा हो गए। जैन को सालार को टीवी स्क्रीन पर देखकर अजीब सी हालत हो गई। तालियों की गूंज में वो चलता हुआ सोफे पर आकर बैठा जबकि एक लड़की इसका इंटरव्यू ले रही थी। वो जीन्स शर्ट में, हाथ पर सफ़ेद पट्टी बांधे, बालों का हेयर स्टाइल बनाए, मजबूत कद्दोकामत और वजाहत के साथ बेहद हसीन लग रहा था।
जबकि कुसरती जिस्म शर्ट में से वाजिया हो रहा था। सब घर वाले दिलचस्पी से इसे टीवी स्क्रीन पर देख रहे थे। कैसे हैं आप सालार मुर्तज़ा, लड़की ने शो शुरू किया। फाइन डैन, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम बैक आरिस, सी यू सोन ब्रो, और कैमरे की तरफ देखकर बोला तो आरिस समेत सब हंसने लगे। सबकी आंखों जिस समय सनसराहट से दौड़ गई। वो कितना मशहूर और मोहब्बतों में घिरा शख्स था, जबकि वो खुद एक खाली नफरतों की मार खाती लड़की। बस वो लड़की हंसी। ये आरिस कौन है, इस लड़की ने पूछा। भाई है मेरा छोटा, सलार ने बताया। ओह सो नाइस ऑफ तो सलार मुर्तज़ा, आपने बहुत जल्द इंडस्ट्री में अपना नाम बना लिया। आपको क्या लगता है कितने इंटरव्यू दे चुके हैं, वो लड़की पर मजाहिया लहजे में बोली, जबकि सलार हंस दिया। मैंने गिना नहीं, इसने मुख्तसर जवाब दिया। तो नाजरीन, ये बात वजाहत देती है कि हमारे आप सबके प्यारे सलार मुर्तज़ा कितने मशहूर और मारूफ मॉडल हैं। क्या सच है सर, आपको हॉलीवुड से ऑफर हुई है, वो लड़की सवाल कर रही थी। यस, वो मदम मुस्कुराहट से बोला, तो क्या पाकिस्तान छोड़कर जाएंगे। डिपेंड ऑन स्क्रिप्ट, अगर स्क्रिप्ट अच्छी हुई तो ज़रूर जाऊंगा, सलार ने निशाने उचकाए। मगर आपने एक मूवी दी जिससे आपका रोमांस काफ़ी मशहूर हुआ, वो लड़की खिलखिलाई। सलार भी हंस दिया। जबकि इसको देखते घर वालों ने एक दूसरे को देखा। यंग पार्टी तो मुस्कुराहट रोकने लगी, जबकि मुर्तज़ा की अब कमेंट्री शुरू हो गई थी। बेहूदा आदमी, बिल्कुल शर्म लिहाज है नहीं है, कैसे फजूल बात पर मुस्कुरा रहा है, मुर्तज़ा भड़के। आई थिंक आई एम रोमांटिक एंड डेंजरस मैसेज फॉर समवन, इसने कैमरे की तरफ देखकर आंख मारी। जिमल तो खड़े खड़े कांप गई, जबकि सब ने जोर नज़रों से इसे ही देखा था। आरिज़ और आया जानते नहीं थे, तभी वो समझ नहीं सके। और रियली, तो आपकी ज़िंदगी में कोई समवन है, वो लड़की काफ़ी मायूस हुई। मे बी और मे बी नॉट, इसने डिप्लोमेटिक जवाब दिया मगर कॉन्फिडेंट था। आपके हाथ पर क्या हुआ, वो लड़की इसका हाथ देखने लगी। अपनी पसंद से जला लिया, इसने फिर घुमाकर जवाब दिया, वो लड़की हंसी। मैंने सुना था आप किसी बात का सीधा जवाब नहीं देते, और जब आपने पहले दुरुस्त जवाब दिए तो मुझे यकीन नहीं आया था कि लोग ऐसा क्यों कहते हैं, मगर अब समझ गई हूँ। सालार हंस दिया और बालों में हाथ फेरा। आपने कभी किसी के साथ डेट की है, वो लड़की शरारती लहजे में बोली। मेरे बाबा भी देख रहे हैं शो, लड़की मुझे घर भी जाना है, ऐसे सवाल मत करो, वो हंसा, जबकि लड़की फिर से खिलखिलाई। आप बहुत दिलचस्प हैं, वो लड़की गहरी नज़रों से इसे देखने लगी। सलार ने नज़रें उठाईं, और आप खूबसूरत हैं, वो बोला तो कबीर ने सर थाम लिया, जबकि मुर्तज़ा की चप्पल जहन की गुद्दी पर लगी थी। बंद करो ये खुराफात, आने दो इसका मुंह तोड़कर घर पर बिठाता हूँ, समझता क्या है बेहुदा इंसान खुद को। और भड़कते हुए उठकर चले गए, जबकि सब ने जहन की रोने वाली शक्ल देखी और लाउंज में कह के बुलंद हुए, और मेरा छोटा भाई। कबीर ने इसको प्यार किया, जबकि अब कबीर ने LCD ऑन की थी। जिमल के चेहरे पर इसके इस तरह देखने कहने से गहरे साए लहरा गए। अब वो लड़की इससे प्रोफेशनल सवाल कर रही थी, जिसका वो जवाब दे रहा था। इन सब ने इसका पूरा शो देखा। आपकी मैगजीन का फ्रंट पेज खूबसूरत है, वो लड़की दिखाने लगी। कैमरे में वही पिक थी जो इसने माम के साथ ली थी। सलार चुप हो गया, कुछ नहीं बोला, जबकि जिमल को ना जाने क्यों ऐसा लगा वो मजीद नहीं दे सकती। वो नहीं जानती थी कि इसकी आँखें क्यों भीग गई थी, वो वहाँ से हट गई। आज इसकी आँखें ख्वाब से नहीं भरी थी, इसे लगा इसका दिल उदास हो गया है। वो कमरे में चली गई, आयत के और दरवाज़ा लॉक कर लिया। वो आता है या नहीं, वो नहीं जानती थी, मगर ना चाहते हुए भी वो इससे खफा हो गई थी। नैन आंखों पर हाथ रख के आंसू बहा रही थी, वो समझ नहीं पा रही थी वो क्या करे। कबीर अंदर आया तो वो सोती बन गई। नैन, इसने इसको पुकारा मगर वो नहीं हिली। कबीर कुछ लम्हे इसे देखता रहा और फिर वॉशरूम में चला गया। बाहर आया तो अब भी ऐसे ही थी, इसे यकीन था वो सो नहीं रही। इससे पहले वो बेड पर जाता, नैन का सेलफोन बजने लगा। दूसरी तरफ नैन का दिल हलक में आ गया, किसका फ़ोन हो सकता है, अहमद का हो। वो हौले हौले कांपने लगी, चेहरे पर से हाथ भी नहीं हटा सकी। वैसे भी हटाती कैसे, वो अभी सोती बन रही थी। कबीर ने कॉल पिक कर ली। हेलो, इसकी गंभीर आवाज़ पर दूसरी तरफ अहमद की सिटी गुम हो गई। वो कुछ नहीं बोला, कबीर के माथे पर कई बल डले।
उसने कॉल बंद किया और बिना कुछ कहे वो नंबर ब्लैकलिस्ट पर डाल दिया और सेलफोन फेंक कर वो दूसरी तरफ लेट गया। कमरे में लैंप जल रहा था। नैन ने इसकी तरफ देखा। कबीर जाग रहा था, दीवार को घूर रहा था। नैन ने इसका हाथ सीधा किया जो कि सर के नीचे था और इस पर सर रख लिया। कबीर इसी तरफ मुतवज्जा हुआ। नैन की मदम सिसकियों पर वो झिझला गया। तुम्हें मुझ पर यकीन होता तो तुम मुझसे अपने मसले शेयर करती। यकीन करो, ये यकीन को भी दफ़ा करो, तुम मुझसे मोहब्बत नहीं है, ये बात आज मुझे समझ आ गई है। कबीर ने इसका सर अपने हाथ पर से हटाया। ऐसा नहीं है। नैन उठकर बैठ गई। कबीर ने साइड टेबल से ब्रेसलेट निकाला और नैन की तरफ उछाल दिया। नैन दंग रह गई। शॉक की कैफियत में इसको देखने लगी। दिल जैसे बंद हो गया था।